देश के भविष्य के लिए। इस देश में 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और ऐसा माना जाता है कि चीन, जापान और अमरीका जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए 2030 में भारत की जो औसत आयु है वो 31.7 वर्ष होगी मात्र। और इस जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इसे कैसे सशक्त बनाया जाए, इसको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए और कैसे इसके भविष्य की चिंता की जाए, इसके लिए बहुत सी पहल इस सरकार में शुरू हुए हैं कार्य। सबसे पहले मैं अपने मंत्रालय से शुरू करता हूं। 2019 में मंत्रालय बना, शायद उससे पहले कभी इस मंत्रालय को इस तरह से नहीं लिया गया कि इस मंत्रालय से यूथ जुड़ सकता है, यूथ को एम्पावर किया जा सकता है या रोजगार के संबंध में कोई बात की जा सकती है। इस मंत्रालय का काम इतना ही था पहले कि प्रदेश सरकारों को थोड़ी मदद करना और कुछ सब्सिडी का इस तरह से करना कि किसी गरीब किसान को थोड़ी सी एक गाय या भैंस के लिए या 10 बकरी के लिए सब्सिडी देना। अभी हमने जो नई स्कीम बनाई है इस मंत्रालय में, उसके तहत हमारा टारगेट है कि 50 लाख जो युवा किसान है उसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के साथ इन स्कीम के माध्यम से जोड़ेंगे। शायद ये संख्या सबको बहुत बड़ी लगती हो और इसे करने के लिए हमने कुछ नए नए स्कीम्स लेकर आए हैं, वो जो कैटल के फील्ड में है, डेयरी में है, पोल्ट्री में है, शीप, गोट, पिगरी, फीड एंड फोडर सेक्टर के अंदर है। हमने ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स की स्कीम बनाई है, चाहे वो कैटल के फील्ड में अगर होगा, अगर कोई युवा साथी करीब 200 गाय का या भैंस का फार्म खोलना चाहेगा, ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म बोलेंगे इसको, तो वो 4 करोड़ रुपए उसकी कीमत होगी और 2 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी, इसमें प्रदेश सरकारों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, सीधी केंद्र सरकार से मिलेगी। इसी तरह से शीप एंड गोट में अगर कोई युवा फार्मर आना चाहता है ब्रीडिंग के लिए, तो उसके 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसकी 50 लाख रुपए सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। इसी तरह से पोल्ट्री के अंदर है, 50 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट होगा पोल्ट्री फार्म हैचरी का, जिसमें से 25 लाख रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा जाएगी। इसी तरह से पिगरी के लिए, पिग फार्मिंग के लिए 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होगा, 30 लाख रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इस फार्म के साथ साथ एक ये उम्मीद की जाएगी जो युवा फार्मर है उससे कि वह आगे अपने साथ छोटे फार्मर को जोड़े। अगर किसी ने गोट फार्म खोला, 500 गोट्स का एक फार्म होगा, तो वो किसान जो युवा किसान है या युवा है वो साथ के साथ कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ेगा उस क्षेत्र के, और ब्रीडिंग अपने यहाँ कराएगा और रियरिंग के लिए कुछ किसानों को देगा। इस तरह से हब एंड स्पोक मॉडल इसे बोलते हैं। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 50 लाख युवा इसी से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर से जुड़ने की हमें संभावना है। काम शुरू हो चुका है। करीब 90,958 मैत्री मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन रूरल इंडिया में हमें पैदा करने हैं। इसको इसमें करीब 31,000 रुपये 3 महीने की ट्रेनिंग देगी भारत सरकार, 31,000 रुपये खर्च ट्रेनिंग का आएगा और करीब 50,000 रुपये के उसको हम इक्विपमेंट देंगे। उसके बाद देश में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की और वैक्सीनेटर की प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। ट्रेनिंग भी देंगे, इक्विपमेंट भी देंगे और उसके बाद स्वरोजगार भी देंगे। जो भी भारत सरकार की 4 बड़ी वैक्सीनेशन की स्कीम है, FMD वैक्सीनेशन, ब्रुसेलोसिस, PPR और स्वाइन फीवर, इन सब वैक्सीनेशन में अभी तक तो 3 रुपये पर वैक्सीन था, लेकिन हमें से बढ़ा के करीब 10 रुपये प्रति वैक्सीन जो एनिमल को लगेगा उसको करने जा रहे हैं। और साथ के साथ वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो करेगा वो पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा फ्री कर दी गई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और हर काफ बर्थ के ऊपर अगर AI करता है वो और उससे बच्चा पैदा होता है तो करीब 250 रुपये उसको मिलेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि उससे स्वरोजगार 90,000 युवाओं को रोजगार देने का काम ये मंत्रालय करेगा। इसी तरह से सबसे बड़ी समस्या इस देश में थी इस सेक्टर में कि हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एक जानवर की समस्या, अगर गाय या भैंस किसी की बीमार है और हॉस्पिटल 7 या 8 किलोमीटर दूर है तो किसान के लिए संभव नहीं था कि वो गाय या भैंस को वहां तक ले जाए। इसे समस्या को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक सुझाव दिया गया बहुत महत्वपूर्ण कि जिस तरह से एम्बुलेंसेज ह्यूमन को लेकर जाती हैं हॉस्पिटल, उसी तरह से मोबाइल वेटनरी यूनिट, इस देश में करीब 4,332 मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए पैसा करीब 650 करोड़ रुपये हम प्रदेश सरकार को दे चुके हैं।
एक एम्बुलेंस 16 लाख रुपए की बनेगी, जिसमें सारा खर्च प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा, और हर एम्बुलेंस के ऊपर एक डॉक्टर होगा, एक पैरावेट होगा जो उसका सहायक के रूप में काम करेगा, और एक ड्राइवर। तीन लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद में इसके जो चलाने की कॉस्ट है 18 लाख रुपए पर एनम आएगी, उसका 60% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% पैसा प्रदेश सरकार वहन करेगी। ये 4,332 एम्बुलेंस का सारा पैसा हम अलग अलग प्रदेश सरकारों को दे चुके हैं। अभी तक जो टारगेट था 1 लाख एनिमल के ऊपर एक एम्बुलेंस देने का था, लेकिन भविष्य में जिस तरह से डिमांड आ रही है लगातार प्रदेश सरकारों के द्वारा कि इसको बढ़ाया जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बारे में रिक्वेस्ट की जाएगी कि भविष्य में इस बात को कैसे बढ़ाया जाए। तो वो सेक्टर जिस सेक्टर में कभी रोजगार की सिर्फ किसान तक सीमित था कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी के इस मंत्रालय के बनाने के बाद लगातार ये मंत्रालय अलग अलग तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है, और भविष्य में शायद कृषि के बाद सबसे बड़ा जो रोजगार का क्षेत्र होगा उसमें मंत्रालय आएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए सरकार में कई अलग अलग तरह के काम हुए हैं। नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ थी कि व्यवसायिक शिक्षा का फील्ड में ध्यान नहीं जाता था, थ्योरी पे ध्यान था, प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं था। हर छठी कक्षा के बाद उसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था इस सरकार के द्वारा की गई है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका 2030 तक का जो लक्ष्य है वो प्राइमरी से मिडिल में जो बच्चे हैं 100% जाए, ये लक्ष्य है, और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ा 26% से बढ़ा के 50% तक ले जाना इस सरकार का लक्ष्य है। यूजी और पीजी की मेडिकल सीट के बारे में आप सबको पता है, करीब 75% की वृद्धि यूजी की मेडिकल सीट्स पर हुई है और पीजी की मेडिकल सीट्स पर 93% की वृद्धि 2014 के बाद लगातार हुई है। जो यूनिवर्सिटीज थी वो करीब 720 थी 2014 में, वो बढ़कर पिछले 8 सालों में 1000 तक पहुंच गई है। 7 नई IIT की स्थापना हुई है, 7 एम्स थे वो बढ़कर 22 हुए हैं। अभी जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2021 की समीक्षा के बाद एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, युवा विकास के लिए 10 साल की परिकल्पना की गई है कि 2030 तक जो 5 क्षेत्र हैं, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, युवा नेतृत्व और विकास, स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल और सामाजिक न्याय, इनमें अगले 10 साल में युवा कहाँ तक जाए, ये सरकार की परिकल्पना, इस पर अगले 10 साल के लिए हमने काम शुरू किया है। 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 1,21,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 2020-21 में कौशल विकास के लिए एक ही साल के अंदर करीब 93,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अभी भारत में स्टार्टअप का हब है, तीसरे नंबर पर हम देश में आ चुके हैं। करीब 84,400 स्टार्टअप इस समय देश में काम कर रहे हैं और इनके तहत प्रत्यक्ष रूप से 8,60,000 युवाओं को रोजगार मिला है। यूनिकॉर्न में भी विश्व में तीसरे स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। 105 से अधिक यूनिकॉर्न हमारे हैं जिनकी $332 अरब करीब कीमत है। अभी नवंबर महीने में सर्विस सेक्टर, जिससे युवा विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो करीब 26 मिलियन यूएस बिलियन यूएस डॉलर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप कह सकते हैं। 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत करीब 12 लाख को इससे जुड़ा युवाओं को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं और 7 लाख को प्लेसमेंट भी मिल चुकी है। 2015 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी, ये अब तक करीब 680 से अधिक जिलों के 10,000 से ज़्यादा स्कूलों का इसमें चयन किया जा चुका है और करीब 7,500 स्कूलों को इसमें फंड भी दिया जा चुका है। करीब 20 लाख छात्र इसमें शामिल हो चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था इस सरकार का, अभी तक इसमें करीब 3,68,000 युवा इसमें लाभार्थी हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बड़ा प्रोग्राम है, इसमें करीब 1,03,219 माइक्रो और जो सूक्ष्म इकाइयां हैं उनको करीब 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसके माध्यम से दी जा चुकी है। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो भारत सरकार की है,